नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशी बसरा और मैं आज सभी हिंदुस्तानी प्रवासी जो कि विदेशों की धरती पर बसे हुए हैं उनकी तरफ से हमारे हिंदुस्तान का अभिनंदन करना चाहूँगी। और आप सबको ये कहना चाहूँगी कि चाहे हम विदेश की धरती पर बसे हुए हैं उसके बावजूद भी हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। हम सब हिंदुस्तानियों को आत्मिक रूप से एक होना चाहिए। हर एक प्रवासी भारतीय का, चाहे वो शारीरिक रूप से अपने देश को देश का समर्थन शारीरिक रूप से नहीं कर पा रहा हो, लेकिन आत्मिक रूप से हमेशा अपने वतन के साथ जुड़े रहना चाहिए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पर, हमारे देश पर, हमारे वतन पर, उसकी न्याय करने की क्षमता पर बिल्कुल भरोसा है और उम्मीद है कि ना हम जुल्म करेंगे किसी पर, ना ही जुल्म सहेंगे। तो काफ़ी दिनों से दिल की स्थिति बहुत शोकपूर्ण थी और जो जाहिर सी बात है, इंसानी तौर पर हम दर्द भी महसूस करते हैं और सुख दुख सब महसूस करते हैं। तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा शोकपूर्ण स्थिति में थी, लेकिन जैसा कि कहते हैं कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो हम हर तरह की परिस्थिति से निकलने में माहिर हैं ही। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी कुशलतापूर्वक होंगे। कुछ वक्त से जबकि दिल में बहुत सी तकलीफें, बहुत से सवाल, कई तरह की बातें जहन में घूम रही थी हिंदुस्तान के मुतल्लक, तो उन दिनों एक दुष्यंत कुमार जी की कविता मेरे जहन में बहुत ज़्यादा असर डाल रही थी और मैं चाहूँगी कि मैं आपको वो कविता आज सुनाऊँ, क्योंकि मुझे लगता है आज के समय के लिए सार्थक है वो कविता। इसके साथ ही मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, हमें हमारे समाज को, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा वतन हमारे समाज से बना है, समाज के लोगों से, उनकी किस तरह की मानसिक स्थिति है, किस तरह से वो सोचते हैं, उससे हमारे देश की प्रगति पर बहुत असर पड़ता है। हम अपने समाज को बांधे रखें। हमारा हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर तरह के धर्म के, हर तरह की जाति के लोग साथ रहते हैं, रहते आए हैं बिना किसी परेशानी के। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हर घर में होती है, तो फिर हमारा जो देश है वो तो बहुत बड़ा है, उसके अंदर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होना जाहिर सी बात है। लेकिन मैं यही बात पे जोर देना चाहूँगी कि आपस में कभी भी किसी मज़हब या रंग या जाति धर्म प्रांत की वजह से कोई मनमुटाव नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को इतना ज़्यादा शिक्षित कर लेना चाहिए कि हम एक दूसरे के विचारों के डिफरेंसेस के बावजूद भी हमारा जो एक मकसद होना चाहिए वो हमारी सुरक्षा, हमारे आसपास समाज की सुरक्षा और हमारे देश की सुरक्षा, ये होना चाहिए। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मानसिक तौर पे शिक्षित हों, बहुत ज़्यादा शिक्षित हों। सिर्फ पैसा कमाने की मशीनें नहीं बनाना हमने अपने बच्चों को, शिक्षा से मतलब है अपने जहन को खोलें, साहित्य को पढ़ें। साहित्य हमेशा आपको समृद्ध करेगा, आपके आसपास के वातावरण को समृद्ध करेगा, आपके बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाएगा, आपके जहन के जो बंद किवाड़ हैं, बंद खिड़कियां हैं, उनको खोलेगा, सोचने समझने की शक्ति देगा, न्याय और अन्याय में फ़र्क सिखाएगा, आपको ये सिखाएगा कि सही बात को सही कहना बहुत ज़रूरी है और गलत बात को गलत कहना बहुत ज़रूरी है हमारे एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चाहे वो हमारे वतन के लिए हो या किसी और चीज़ के लिए भी। तो हमेशा ना तो नाइंसाफी सहें ना नाइंसाफी करें। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आप ये कविता आपको सुनाना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपसे आगे की बात करूँगी। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। मैं इसका आपको संक्षेप में, सरल रूप में बताती हूँ कि हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए से मतलब ये है कि जब इंसान का ज़मीर मरा होता है तो उसका शरीर चाहे ज़िंदा हो लेकिन वो एक लाश होता है। तो कवि का कहने का ये मतलब है कि इंसान अपनी आत्मा को जगाए, अपने आत्मसम्मान को जगाए और सही गलत में फ़र्क महसूस करते हुए खड़ा हो और अपने आसपास के माहौल के अनुसार जो भी परिवर्तन कर सकता है उसको एक सशक्त रूप में एक रूप दे। तो
तो हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, ये मेरा बहुत पसंदीदा है। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये आग विध्वंसता की नहीं है, ये आग नफरतों की नहीं है, ये आग है मशाल की, लौ की। ये आग है सच्चाई की, वीरता की, संयम की और सहिष्णुता की, न्याय की। और जिस तरह हमारा हिंदुस्तान हमेशा से ही इस बात का पक्ष लेता है कि ना अन्याय करो ना अन्याय सहो, तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि हिंदुस्तान में इस घड़ी में, इस वक्त में, आप सब अपने देश से, अपनी सरकार के साथ, सही सरकार के साथ जुड़े रहें, विश्वास बनाए रखें, अपनी सेना का सम्मान करें और आपस में विचार विमर्श ज़रूर करें लेकिन हंगामा खड़ा ना करें। और ये बात और कहना चाहूँगी कि एक छोटी सी असफलता से इतने आंसू नहीं बहाएं कि हम बह जाएं, और एक छोटी सी सफलता से इतने ज़्यादा शोर भी ना करें कि हम खुद ही बहरे हो जाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हमारी मानसिक स्थिति इस तरह ही शांत रहे और हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहे, अपने वतन की, पूरी संसार की, हमारे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा घर है, ये सोचते हुए सिर्फ बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आपसे फिर मिलूँगी बहुत से ऐसे विषयों पर आपसे बातचीत करने को। तब तक दीजिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक, रखिए अपना ख्याल और उससे भी ज़्यादा एक दूजे का, अपने समाज का, अपने वतन का। नमस्कार, जय भारती।